हेलो एवरीवन, आई एम सुनील यादव और आज हम फिटनेस बॉडी बिल्डिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। तो सेट्स जो होते हैं, बहुत लोग बहुत सारे सेट्स लगाते हैं, 5 से 10 सेट। तो ये सेट्स के पीछे साइंस क्या है? कितने सेट्स हमें एक्चुअली करना चाहिए बॉडी बिल्डिंग के प्रोस्पेक्टिव से? अगर देखा जाए तो ये जो रेपिटेशंस और वेट्स है, इनका जो ये इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, जैसे वेट्स बढ़ता है वैसे रेपिटेशंस भी कम हो जाते हैं। एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, अगर कोई पावर लिफ्टर है तो वो जब स्टार्ट करते हैं उनके रेपिटेशन होते हैं 3, 4, 5 ऐसे रेपिटेशन होते हैं, बट उनके सेट ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनको एवरेज हैवी वेट उठाना होता है, तो उनके कम से कम 8 से 10 सेट्स होने हो जाते हैं। और बॉडी बिल्डिंग में देखा जाए तो हम मसल हाइपरट्रॉफी देखते हैं तो हमारे कम से कम 4 या 5 सेट्स होते हैं, बट उसमें रेपिटेशन वो डिपेंड होता है वेट्स पे के ऊपर। जैसे मैंने कहा कि आपको 1 रेप मैक्स नहीं करना है, अगर हाइपरट्रॉफी चाहिए तो कम से कम आपका जो मेन सेट है उसमें प्रोपोर्शन वेट और आपके रेपिटेशन होने चाहिए कम से कम 8 से 12 रेप, तो हाइपरट्रॉफी होगी। तो उसके ऊपर डिपेंड है आपके रेपिटेशंस और आप कितना वेट लिफ्ट करना है आपको। जो सेट्स का कॉन्सेप्ट है वो लार्ज मसल ग्रुप्स और स्मॉल मसल ग्रुप्स में हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? जैसे स्मॉल मसल को हम लोग ट्रेन करते हैं उसकी रिकवरी जल्दी से जल्दी हो सकती है, तो हफ्ते में आप 2 बार उसको ट्रेन भी कर सकते हो। और कोई बड़ा मसल है जैसे लेग क्वाड्रिसेप मसल है तो उसकी ट्रेनिंग में आपको हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करनी होती है और उसकी रिकवरी के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो हफ्ते में वंस इन अ वीक आप उसका ट्रेनिंग कर सकते हो। और बॉडी बिल्डिंग में अगर आप है आपको प्रॉपर ट्रेनिंग करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी के ऊपर ध्यान दें, ना कि क्वान्टिटी के ऊपर।